दोस्तों नमस्कार, स्वागत है सभी का आपके अपने चैनल टेक्नो रेंज में। गाइस आज जो है स्टार मेकर के वेरिफिकेशन सिस्टम को लेकर कुछ अपडेट आया है, इस अपडेट के बारे में आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे जो है टैलेंट सिंगर को लेकर के जो क्राइटेरिया आपका था उसमें एक चेंजेस हुई है, और ये चेंजेस क्या है इसके बारे में काफ़ी लोग जो है कन्फ्यूज हैं। वो पूछ रहे हैं कि भाई ये नया ऑप्शन, जो नया क्राइटेरिया यहाँ पे ऐड किया गया है, इसको कैसे कंप्लीट करना है। तो उसी से रिलेटेड आज आपको बात बताने वाले हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि अगर आपने यहाँ पे जो है अप्लाई कर दिया है तो गाइस कब तक कि आपको टैग मिलने वाला है, और क्या कुछ नया अपडेट है इसी वेरिफिकेशन सिस्टम को लेके। तो इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना। वीडियो पे अगर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और यहाँ पे जो है बेल आइकन को भी ऑल पे कर देना, क्योंकि जो भी हम इंपॉर्टेंट वीडियो डालते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँच सके। अब गाइस सबसे पहले हम चलेंगे सीधा सीधा अपने स्टार मेकर की प्रोफाइल पे और दिखाएंगे आपको कि जो है वेरीफाइड सेक्शन में क्या क्या जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो वेरीफाइड वाले ऑप्शन पे जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पे सबसे पहले आपको मैंने बताया था कि टैलेंटेड सिंगर और वेरीफाइड सिंगर जो होता है गाइस, टैलेंटेड सिंगर जो है सबसे पहले आपको टैग इसका लेना पड़ेगा, उसके बाद में जो है वेरीफाइड सिंगर का टैग, तभी आप जो है वेरीफाइड सिंगर के जो क्राइटेरिया उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो टैलेंटेड सिंगर में ही एक नया जो है यहाँ पे और क्राइटेरिया ऐड किया गया, हो सकता है वेरीफाइड सिंगर वाले में भी यही क्राइटेरिया ऐड किया गया हो। लेकिन गाइज यहाँ पे अगर जो है इस क्राइटेरिया को मैं समझा दूंगा तो आप आगे जो है सारा कुछ समझ जाएंगे। तो यहाँ पे जो नया ऑप्शन ऐड किया गया है, द कुमुलेटिव नंबर ऑफ रिकमेंडेड कवर शैल नॉट बी लेस देन वन, ठीक है। यहाँ ही बताया गया है कि आपका जो एक कवर होना चाहिए वो जो है रिकमेंडेड कवर्स में आना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। मीन्स एक कवर आपका ऐसा होना चाहिए जो आपका रिकमेंडेशन में आया हो। अगर रिकमेंडेशन लिस्ट में आपका एक भी कवर नहीं आया है तो आप जो है यहाँ पे टैलेंट सिंगर नहीं बन पाएंगे, और टैलेंट सिंगर नहीं बन पाएंगे तो वेरिफिकेशन के लिए आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और वेरीफाइड सिंगर में भी हो सकता है ये जो कुमुलेटिव कवर वाला हो आया हो, सकता है कुछ बढ़ा के वहाँ पे दिया हो कवर्स, लेकिन आपको रिकमेंडेशन कवर कहाँ से देखने को मिलेगा और कैसे आप रिकमेंडेशन में आ सकते हैं वो चलिए मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली गाइस क्या करना है, मूवमेंट वाले ऑप्शन पे जाना है। तो यहाँ पे जो भी आपको पोस्ट देखने को मिलेंगे रिकमेंड में, ये सारे पोस्ट जो है रिकमेंडेशन में आते हैं, और इसी के रिकमेंडेशन में आने के लिए आपको जो है यहाँ पे हॉट टॉपिक या हैशटैग्स को यूज़ करना है। अगर आप जो है यहाँ पे हैशटैग्स को यूज़ नहीं करेंगे तो आपका जो कवर है वो रिकमेंडेशन में नहीं आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स, ज़्यादा से ज़्यादा गिफ्टिंग और शेयर के हिसाब से आपका कवर जो है रिकमेंड किया जाता है, स्टारमेकर रिकमेंड करता है। तो इसके लिए जब भी आप कवर पोस्ट करें तो जो हॉट हैशटैग्स हो वो लगाएं, जो भी हैशटैग्स उस समय चल रहा हो वो लगाएं। इसके साथ साथ अपने कवर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स लाएं, गिफ्टिंग लाएं, जिससे वो आपका जो है रिकमेंडेशन कवर में चला जाए, ठीक है। तो जब आपका एक कवर रिकमेंडेशन में आ जाएगा तो आपका वो क्राइटेरिया जो है वहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। उसी से रिलेटेड वहाँ पे पॉइंट जो है लिखा हुआ है जो काफ़ी ज़्यादा लोग समझ नहीं पा रहे थे। तो अभी उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्राइटेरिया समझ में आ गया होगा, कैसे आपको जो है रिकमेंडेशन कवर में कवर को अपने लाना है। साथ ही साथ यहाँ पे जिसने वीटेक के लिए अप्लाई कर लिया है तो गाइस आपको वेट करना है, क्योंकि यहाँ पे आज एक मैसेज भी आया था कि 19 तारीख के बाद से वो चेक करना शुरू करेंगे। जो जो भी अप्लाई किया है अभी तक केवल वो फॉर्म्स को एक्सेप्ट कर रहे थे, तो आज की डेट से जो है वो चेक करना शुरू करेंगे। अब हो सकता है आपका टैग जो है 7 से 14 डेज के बीच में कभी भी आपका नंबर आ सकता है, आपको टैग दिया जा सकता है। अगर आपको टैग नहीं मिलता है 14 डेज तक तो आपको रीअप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। और हाँ, हो सकता है आपका जो कवर है वो डिनाई कर दिया गया हो, तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, आपको वीडियो कवर्स थोड़ा सा बेटर डालने हैं। आपको चेक करना है कि आपने फॉल्ट कहाँ पे किया, आपके वीडियो कवर्स में क्या प्रॉब्लम है, वो सारा कुछ आपको चेक करते रहना है। क्योंकि जो है ऐसा नहीं कि सबने अप्लाई कर दिया तो सभी को मिल जाएगा, वहाँ पे आपकी क्वालिटी जो है वो चेक की जाएगी। तो गाइस उम्मीद करता हूँ ये सारा कुछ आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कमाल की वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।